हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको ऐसी इमोजी पजल बताने वाली हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर करने वाली है कि क्या है भाई इनके जवाब। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज अमन के स्कूल में इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन है, तो अमन खुशी खुशी सुबह स्कूल जाता है और इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन करके जैसे ही घर वापस आता है तो देखता है कि किसी ने उसकी माँ का खून कर दिया है। तो वह बहुत डर जाता है और तुरंत पुलिस को बुलाता है और पुलिस आते ही पूरे घर की तलाशी लेती है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। लेकिन अमन ने घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था, तो पुलिस उस कैमरे की फुटेज को ध्यान से देखती है तो पुलिस को 5 फुटेज मिलती है और वो इन फुटेज को देखकर तुरंत समझ जाती है कि खून किसने किया है। तो दोस्तों, पुलिस को कैसे समझ आया कि खून किसने किया है? तो क्या आप इन फुटेज को देखकर बता सकते हो क्या कि खून किसने किया है? तो ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, आज इंडिपेंडेंस डे है, मतलब आज सरकारी छुट्टी है, तो फिर ये पोस्टमैन यहाँ क्या कर रहा है? मतलब खूनी पोस्टमैन बनकर आया था और इसी ने अमन की माँ का खून किया है। तो पुलिस इन फुटेजेस को देखकर तुरंत समझ जाती है कि खून किसी ने किया है। पजल नंबर 2। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर 6 कप आए हैं। तो भाई, इन 6 कपों को जरा ध्यान से देखिए और अब हमें बताइए कि इनमें से कौन सा कप ऑड वन आउट है, मतलब सबसे अलग है। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, दिखाई दिया क्या आपको कि इनमें से कौन सा कप ऑड वन आउट है, मतलब सबसे अलग है? नहीं पता? अरे यार, यह देखिए, 4 नंबर वाला कप इनमें से सबसे अलग है, दिखाई दिया ना? पजल नंबर 3। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर एक पिक्चर आई है, तो इस रूम को जरा ध्यान से देखिए और अब हमें बताइए कि इस रूम से बाहर जाने का 4 डिजिट का कोड क्या होगा। तो भाई दोस्तों, जरा अपना दिमाग लगाइए और इस रूम का सही कोड गेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। देखिए, दरवाजे के ऊपर एक लाइन में 4 कलर है, तो आपको देखना है कि उस कलर के इस रूम में कितने ऑब्जेक्ट है, यानी कितनी वस्तुएं हैं। जैसे रेड कलर का 1 ऑब्जेक्ट है, पिंक के 2, ब्लैक का 1 और येलो के 2 ऑब्जेक्ट है, तो कोड हो जाएगा 1212। दोस्तों, यह पजल किस किस ने हल की थी, तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पजल नंबर 4। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर एक पिक्चर आई है, तो आपको बताना है कि यह किस लड़के का नाम है। तो भाई दोस्तों, पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए, कहीं ये आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम तो नहीं? तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, पता चला क्या आपको कि यह किस लड़के का नाम है? नहीं पता? अरे यार, यहाँ पर तो थोड़ा सा लॉजिक लगाने का था,
उस लड़के का नाम है तिलक। देखिए भाई, सबसे पहले है टी और बाद में है लक का साइन, तो दोनों मिलाकर हो गया ना तिलक। दोस्तों, यह नाम किस किस ने सही गेस किया था, तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।